जो लोग बोलते पान मसाला खा लिया 5 रुपए का तो क्या, रोज के 5 रुपए तो महीने के 150 हो गए, साल के 1800। अगर उनको साल के पैसों को इकट्ठा करके फिक्स डिपॉजिट रखा जाए तो 25 साल के बाद हर महीने 1800 आपको पेंशन मिल सकती है। जयराम जी की हर महीने 1800 पेंशन मिल सकती है, एक साल का पान मसाले का पैसा खाली डिपॉजिट कर दो, 25 साल के बाद हर महीने 1800 पेंशन। 5 रुपया क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत होता है। 5 रुपए का पान मसाला के साथ साथ तुम्हारी अन्न नली में चांदे पड़ते हैं, वो बीमारी, तुम्हारा रक्त खराब होता है, धातु क्षीण होता है, वो तो सैकड़ों रुपए का नुकसान रोज होता है। बोले जरा सा पान मसाला खा ले तो क्या है, नहीं नहीं ऐसा नाको करा बाबू। जयराम जी की जरा सा ऐसा कर लिया तो क्या है, जरा सा ये खा लिया तो जरा सा में बहुत हो जाता है, जरा सा इसके सामने देख लिया तो क्या है, जरा सा यूं कर लिया तो क्या है, जरा सा ये कर लिया तो क्या, पतन की खाई में गिर जाता आदमी। जरा सा सद्गुण महापुरुष बना देगा और जरा सा दुर्गुण दुरात्मा बना देगा, इसलिए जरा जरा सा में भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। आत्मदेव ब्राह्मण कंजूसी करता था। राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति थे आजादी के बाद, यात्रा करते करते रांची पहुंचे, उनके पैरों के तलवे बुरी तरह पीड़ित हो गए, कारण था चप्पल घिस गई, अहिंसक जूते पहनते थे। 10 किलोमीटर दूर से जो गांधी हाट था, अहिंसक जूते अर्थात पशु मर जाए उसके बाद का चमड़ा, ऐसा नहीं कि स्लाटर हाउस में बिजली के जरे गायों की गर्दनें काट के बाद में चमड़ा लिया जाए या वस्तु ली जाए, नहीं, अहिंसक जूते पहनते थे। वो चप्पल ले आया सेक्रेटरी, राजेंद्र बाबू ने पहरी, पूछा कितने की है, बोले 19 रुपए की, अरे रे महंगी है, अगले साल 11 रुपए की थी, अभी 19 क्यों, बोले ये जरा टिप टाप है। राष्ट्रपति ने कहा क्या टिप टाप हो, चप्पल पहनने से कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे को तो पैर ढकने हैं, 11 वाली लिया हो, 19 वाली वापस दिया हो। सेक्रेटरी जा रहा था, बाबू ने बुलाया, ठहर तू जाएगा आएगा, 8 आने का पेट्रोल 1 रुपए लीटर था उस समय, 8 आने का पेट्रोल बर्बाद होगा, मेरा लेक्चर सुनने को जो आ रहे हैं उनको पकड़ा देना, चप्पल बदला के आएगा गांधी हाट से। 8 रुपए मेरे भारतवासी के आंसू पहुंचने में लगे, मैं 19 की चप्पल क्यों पहनूं, 11 की चप्पल से काम चलेगा। क्या ऐसे राष्ट्रपति को आप कंजूस कहेंगे, नहीं, बुद्धिमान कहेंगे हम तो। पर दुख कातरता का सद्गुण हृदय में संजोए हुए सज्जन महात्मा कहेंगे उनको, हम सज्जन आत्मा कहेंगे। आप भी ऐसी सज्जनता के सद्गुण विकसित करिएगा। आत्मदेव ब्राह्मण कंजूस था, लोगों ने कहा तुम बहुत कंजूस हो, तुम्हें बस संग्रह 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 पकड़ पकड़। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो अति कंजूस होता है उसको कब्जियात की बीमारी होती है, क्योंकि उसका मन पकड़ पकड़ता है तो सुबह का मसाला छोड़ने में भी कुछ पकड़ रखता है, इसलिए उसको कब्जियात की बीमारी होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कथन मुझे काम में आ गया। मेरे आश्रम में एक थर पारकर का उस छोटे से गांव का नगर सेठ मेरे आश्रम में रहता था, अभी भी रहता है, उसको कब्जियात की तकलीफ थी और मेरे सारे उपाय मैंने उसको बताए लेकिन विफल गया मैं। आखिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कब्जियात इतने परफेक्ट उपायों से दूर नहीं होती, क्या कारण है। मैंने गौर किया इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर और मैंने पाया कि वो आदमी बड़ा कंजूस है। मैंने उसको कहा कि तुम अपने इलाके के नगर सेठ हो, आश्रम में तुमने आज तक कुछ किया नहीं और करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी कब्जियात मिटाने के लिए तुम्हें दान करना चाहिए। तो ये आश्रम के पास में मोटेरा गांव है, वहां गरीबों को थोड़ा फल बांटना शुरू करो तो कब्जियात ठीक हो जाएगी। उसने बोला कितना खर्चा आएगा। जयराम जी की मैंने कहा 5-25 बच्चों को, किसी को चीकू या किसी को कुछ फल। उस कंजूस महंत ने अभी तक है आश्रम में, जीवित है, उसने आश्रम में आने वाले
होलसेलर फ्रूट मर्चेंट को पकड़ा और केले का टुपला अथवा तो चीकू का एक खोखा मंगवाता, वही आश्रम में पकाता और जब पक जाते और फेंकने के लायक हो जाते तो उठाकर उन बच्चों को देना शुरू करता। ऐसा करने से भी उसकी मुट्ठी खुली तो फिर वो नीचे का भी इंस्ट्रूमेंट खुला और अभी उसकी कब्जियत ठीक है। जय राम जी की। तो जो कंजूस आदमी होता है उसको देने वाला भी, उस आदमी को कोई सत्कर्म करने की जगह पर बैठाया तो वो भी फल गया, क्योंकि वो कंजूस बैठा तो दूसरे लोग भी उसको देखकर कंजूस हो गए। रामतीर्थ कहा करते थे कि जो औरों से तुम जैसा व्यवहार करते हो तो औरों का व्यवहार भी तुमको देखकर वही उनका भाव का हिस्सा उभर आता है। तुम जिस जैसा व्यवहार करते हो ऐसे ही परमाणु वातावरण में आपके तरफ खींचकर आते हैं। इसलिए आप औदार्य व्यवहार करते हो तो दूसरे के औदार्य गुण तुम्हारे आगे विकसित होता है। तू औरों की तारीफ कर तुझको भी सरखानी मिले, कर मुश्किल आसान औरों की तुझको भी आसानी मिले। तू औरों को मेहमान कर तो तुझे भी मेहमानी मिले। क्या खूब सौदा नगद है इस हाथ दे उस हाथ ले, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को देता वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। भांजे शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ मियां, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। लोगों ने कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण मुट्ठी खोलो। हम आत्मदेव ब्राह्मण को कब्जियत की बीमारी थी कि नहीं वो भागवत में नहीं आता है तो मैं नहीं बोलता हूँ। जय राम जी की। और आप लोगों को किसी इलाज से कब्जियत ठीक नहीं होती हो तो गरीब गुरुओं को या कुछ न कुछ मुट्ठी खोलने को प्रयोग करो। मेरा किया हुआ प्रयोग है चंदीराम पर सफल हो गया है। जय राम जी की। जो कुछ देता है उसको औदारी सुख मिलता है, इसलिए देना सीखो। बच्चों को भी सिखाओ कि छोटा भाई बड़े को कुछ देने की कोशिश करे, लेकिन बड़ा भाई सवाया करके छोटे को दे। जो बचपन से ही बच्चों को भैंस का दूध पिलाते हैं उनके बच्चे आगे चलकर संपदा के कारण लड़ते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं। और जो बच्चों को गाय का दूध पिलाते हैं उनके बच्चों में ये दोष नहीं आता है, क्योंकि भैंस खुराक देखकर फिर दूध देती है कम वक्त, स्वार्थी नहीं है। लेकिन गाय तो वात्सल्य प्रेम से भरकर बछड़े को देखकर ही दूध देना चालू कर देती है। गाय के दूध